हिमालय की वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर मैक्लियोडगंज, जहां हर कोई जाना चाहता है, तो चलिए हम भी देखते हैं। दोपहर ढलने को थी और हम माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद धर्मशाला की तरफ निकल चुके थे। ये 60 किलोमीटर का रास्ता हम करीब 2 घंटे में कंप्लीट करने वाले थे। रात के 8:30 हम मैक्लियोडगंज के फेमस चौराहा पर पहुंच चुके थे, जहां हर बार की तरह ट्रैफिक जाम था क्योंकि आगे रोड सिंगल है, एक ही समय में एक ही साइड की गाड़ियां निकल पा सकती हैं। तो सबसे पहले हमने रूम लेना था, इसलिए हम बाक्षुनाग टेम्पल की तरफ निकल पड़े। यहां कार पार्किंग के पास ही हमने रूम लिया और सो गए। अगली सुबह हम 10 बजे सोकर उठे। बाहर मौसम काफी अच्छा था, धूप निकली हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ खुशहाली थी। जहां कार पार्किंग के ऊपर हमारा रूम था, जो हमें 1200 पर नाइट के लिए मिला था। चलिए आपको रूम भी दिखा देता हूं। यह रूम बाक्षुनाग टेंपल के बिल्कुल पास में ही था, यहां से करीब 2 मिनट का रास्ता होगा। इसके रेट के हिसाब से देखे तो बेस्ट रूम था, क्योंकि 4 बंदे हम यहाँ सोए थे और रूम काफी क्लीन भी था। रूम से सामान वगैरह उठाने के बाद हम सीधा पहुंच गए ढाबा पर। यह हमारे रूम के बिल्कुल सामने था। यहां पर हमने चाय के साथ पराठे लिए। जहां नाश्ता करने के बाद हम सीधा बाक्षुनाग टेंपल पहुंच गए। यह एक प्राचीन मंदिर है। वाटरफॉल का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं और मंदिर के बाहर बने पूल में गर्मी के दिनों में नहाकर एंजॉय भी करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको एक मार्केट मिल जाएगी। यहाँ पर कैफेज के साथ साथ बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पर लोकल लोगों द्वारा बनाए हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिन्हें आप मैक्लियोडगंज की यादगारी तौर पर बाय करके अपने साथ ले जा सकते हो। आज मंडे है, फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर आपको आना है तो आप सैटरडे दोपहर यहाँ पहुंच जाओ, थोड़ा रेस्ट करो और शाम के समय जो डीजे बजते हैं, पार्टी का माहौल होता है, यहाँ सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। लोग दोपहर रेस्ट करते हैं और शाम को पूरा इंजॉय करते हैं। अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप 2 दिन में धर्मशाला और मैक्लियोडगंज अच्छे से घूम सकते हो। बाजार से निकलते ही सामने वाटरफॉल दिखने लगता है, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है। रास्ते में आपको स्नैक्स या चाय की शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बैठकर चाय के साथ साथ आप जो वाटरफॉल के व्यू का आनंद भी ले सकते हो। आधा रास्ता चलने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, तो यहाँ पर हमने थोड़ी रेस्ट करी और सीधा वाटरफॉल पहुंच गए। वाटरफॉल पहुंचने पर रास्ता बहुत ही छोटा था, एक ही समय यहां पर एक ही व्यक्ति निकल पा रहा था। लोग बहुत दूर दूर से जहां पहुंचते हैं और यहां बने कैफे पर बैठकर खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। हमने भी यहां काफ़ी समय बिताया और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, जो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हो। कुछ लोग तो अपना खाना पीना लेकर यहां नीचे उतर जाते हैं, जो काफ़ी डेंजरस होता है। वाटरफॉल का पानी बहुत ही ठंडा था, फिर भी लोग अपने शूज़ उतारकर इसके अंदर पहुंच चुके थे। वाटरफॉल देखने के बाद हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। अभी हम दलाई लामा मिनिस्ट्री के बाद काल चक्रियान टेम्पल देखने के बाद सीधा चर्च जाने वाले थे। अगर आप भी जहां पहुंचने वाले हो तो आप
नड्डी पहुंच सकते हो जहां पर डल लेक है, और सनसेट का व्यू देखने के लिए नड्डी पहुंच सकते हो। इसके अलावा आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहां कर सकते हो, जैसे कि पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो आपको जहां पहुंचकर जो पैकेज में मिल जाती हैं। भाक्षुनाग मंदिर का इतिहास आपको यहां मंदिर में अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। बताते हैं, किसी समय यहां पर राजा भाक्षु ने जो पानी चुरा लिया था, और उसी को लेकर जो नाग और भाक्षु राजा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी इतिहास को दर्शाते ये मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत बार लोगों को यहाँ पहुंचकर कार पार्किंग करने में दिक्कत आती है। आपको बता दूं, इस पार्किंग के अलावा, सामने वाली पार्किंग के अलावा, यहाँ और भी दो तीन छोटी छोटी पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर 100 रुपये पर कार जो चार्जेस लिए जाते हैं, वहाँ आराम से आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हो। आज हम दी रॉक का टेम्पल मैसूर भी जाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली सीरीज थाईलैंड की होने वाली है। अभी हम थाईलैंड ट्रिप करने वाले हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दी गई जानकारी आपके काम आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।